स्वागत है आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आम के बर्फी की रेसिपी। ये रेसिपी दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस बर्फी बनाने के लिए कोई भी आम चलेगा दोस्तों, बस आम पका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दो आम लिया है, तो सबसे पहले हम आम का पल्प निकालेंगे। यहाँ पर जो आम का पल्प है इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने आम के पल्प को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पर मैंने थाली लिया है, थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आम की बर्फी बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले हम पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आधा लीटर दूध लिया है, दूध को इसमें हम डाल देंगे। अब हम दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने 100 ग्राम के करीब चीनी लिया है, चीनी को इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, ये पाउडर 200 ग्राम के करीब है। चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है, ये देखिए। आम के प्यूरी को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे दोस्तों हमें तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से सूख न जाए, बस इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चलाया है दोस्तों। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। घी डालने के बाद देखिए इसमें एकदम शाइनिंग सी आ गई है और इसे मैंने अच्छे से सुखा भी लिया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसे ग्रीस किए हुए थाली में निकाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम अच्छे से फैला लेंगे, ये देखिए। इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे, पतला नहीं रखेंगे। इसे हम इस तरीके से टैप कर लेंगे, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से टैप कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट का कतरन डाल देंगे। इसे फिर से हम हल्का सा टैप कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर पिस्ता भी डाल के गार्निश कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से टैप कर लिया है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप चाहे तो दोस्तों इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 4 घंटे रखूंगी। 4 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये जो आम का बर्फी है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।